इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अरुण कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन, अभिषेक जैन, अभिनव जैन, रैना जैन, आन्या जैन, मेरठ, उत्तर प्रदेश। ए, बहुत काम है भाई, आखिर भगवान ने मुझे बनाया क्यों, यही सब तरते रहने के लिए? अरे भाई, भगवान तुझे तो क्या किसी को नहीं बना सकता। मैं वैसे ही परेशान हूँ, तू फिरकी ना ले यार। अच्छा तो बता, अगर भगवान ने तुझे या मुझे बनाया तो भगवान को किसने बनाया है? वही समूचा पदार्थ है और वह अत्यंत निबद्धो। वह किससे बनता है? तो अपने अस्तित्व से बना हुआ है। हर पदार्थ अपने अपने अस्तित्व से है, कोई उसको बनाने वाला नहीं है। अपने टेढ़े सवालों के सीधे जवाब, धर्म के मर्म को समझें। ग्रंथराज प्रवचन सार जी की अनूठी वैज्ञानिक एवं सहज व्याख्या सुनें और उसके बाद परीक्षा दें। दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता आदि जो अरहंत भगवान की भक्ति आदि ऐसी जो 16 कारण भावनाएं, उनको भाकर के अच्छी तपस्या से अपने विशुद्ध भावों के द्वारा उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया। कब कर लिया? मुनि जीवन में। अब जब तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो गया, उनके लिए पहले से ही उत्कृष्ट सहनन उन्हें मिला हुआ है। तीर्थंकर प्रकृति का बंद इसी भाव में हो गया, उन्होंने ऐसा अपने अंदर शुक्ल ध्यान का पुरुषार्थ किया कि उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो अब क्या होगा? अब केवल ज्ञान होते ही वो तीर्थंकर बनेंगे, क्योंकि जो तीर्थंकर प्रकृति का उन्होंने बंद कर लिया था वो उसी भाव में केवल ज्ञान के समय के साथ ही उदय में आएगा। अब किसी को नहीं मालूम था कि तीर्थंकर बनेंगे और उनका अचानक से केवल ज्ञान होने के बाद में, जो सामान्य केवली होते हैं उनके लिए तो एक सामान्य सी गंधकुटी होती है, देवों के द्वारा पूजा होती है, लेकिन इतना जलवा नहीं होता जितना तीर्थंकरों का होता है। जलवा समझते हो? ये तो सब समझते हो। जो समवसरण का जलवा होता है वो 12 सभाएं लगना, दिव्य ध्वनि होना, तीर्थ प्रवर्तन होना, अष्ट प्रातिहारियों से वैभव से सहित होना, ये सारी की सारी चीजें उनके साथ होने लग जाएंगी। किसी को नहीं मालूम कि ये तीर्थंकर बनेंगे, लेकिन वो तीर्थंकर बन गए। चलते चलते भी उन्होंने अपने जीवन में पंच कल्याणक ना सही तो दो कल्याणक तो अपने पूरे कर ही लिए। अब उनके कितने कल्याणक मनाए जाएंगे? दो कल्याणक मनाए जाएंगे, एक ज्ञान कल्याणक होगा और ये समोसरण लग गया, एक ज्ञान कल्याणक होगा, केवल ज्ञान कल्याणक। और उसके बाद में जब उन्हें मुक्ति मिलेगी तब मोक्ष कल्याणक भी मनाया जाएगा, तब भी देवता लोग आएंगे और बिल्कुल तीर्थंकरों की तरह ही उनका काम होगा। तो ऐसे भी होते हैं, समझ आ रहा है? सब जन्म से ही मिले ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। अब कोई गृहस्थ है, वो गृहस्थ भी घर में रहकर के भी मान लो जन्म उसका सामान्य से हुआ और उसने तीर्थंकर प्रकृति की भावना की, क्योंकि कोई भी अविरत सम्यक दृष्टि गृहस्थ, चतुर्थ गुणस्थान वाला गृहस्थ भी तीर्थंकर प्रकृति को बांध सकता है। तीर्थंकर प्रकृति को बांधने के लिए सम्यक दर्शन मस्ट है, वो होना चाहिए। कोई भी सम्यक दृष्टि जीव हो वो तीर्थंकर प्रकृति को बांध सकता है, भले ही उसके पास में व्रत ना हो। तो अविरत सम्यक दृष्टि जीव गृहस्थ है तो वो भी अगर तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लेता है तो उसी अपनी उसी आयु काल में, उसी जीवन में उसके अंदर वैराग्य आता है, और जब वैराग्य आएगा तो क्या होगा? अब उसके वैराग्य की अनुमोदना करने के लिए लौकांतिक देव आएंगे, जैसे तीर्थंकरों के वैराग्य के समय पर आते हैं। ये देखो भावों का खेल। किसी को नहीं मालूम कि ये जीव कौन सा भाव कर लिया, किसी को नहीं मालूम इस जीव ने कौन से कर्म का बंद कर लिया, और जब उसको वैराग्य हुआ तो सामान्य से तो लोग समझते हैं भाई वैराग्य तो सबको हो जाता है, वैराग्य होंगे दीक्षा लेने के लिए जंगल जाएंगे, वो अपना
तपोवन में जाकर के अपना दीक्षा कल्याणक कर लेंगे, दीक्षा ले लेंगे, लेकिन उस वैराग्य के साथ साथ लौकांतिक देव भी उनकी प्रशंसा अनुमोदना करने आएंगे, ये तब जब देखने को मिलता है तब समझ में आएगा लोगों को कि इसने तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया, इसलिए लौकांतिक देव इसकी वैराग्य की अनुमोदना करने आए हैं। ऐसे भी होते हैं। अब देखो उस गृहस्थ के द्वारा क्या होगा, उसके कितने कल्याण मनाए जाएंगे, अब उसके तीन कल्याणक मनाए जाएंगे, एक तप कल्याणक होएगा उसका, समझ आ रहा है, देव लोग ही उसकी पालकी लाएंगे, उसको बिठा करके घर से उस वन तक ले जाएंगे और उसके साथ साथ सब जो कुछ भी क्रियाएं होंगी वो सब देवों के द्वारा संपादित होंगी। केशलोच होंगे, उनके केसों को देव लोग अपने पिटारे में रख करके जो क्षीर सागर है उसमें जाकर के प्रवाहित करेंगे, समझ आ रहा है, ढाई द्वीप के बाहर का, ढाई द्वीप से बाहर वहां जाकर के प्रवाहित होते हैं जहां जलचर जीव नहीं होते हैं, समझ आ रहा है, और वहां जाकर के वो उनके केस प्रवाहित होंगे। सब कुछ देवों के द्वारा वैसा ही किया जाएगा जैसा तीर्थंकरों के साथ में किया जाता है। तो अब उस गृहस्थ के द्वारा देखो, जब वो दीक्षा लिया तो अब उसके लिए एक तो तप कल्याणक हुआ, और जब तप कल्याणक हुआ तो फिर उसके बाद में जब ज्ञान होगा तो केवल ज्ञान के साथ ज्ञान कल्याणक होगा और उसका मोक्ष कल्याणक भी होगा। ऐसे तीन कल्याणक वाले भी तीर्थंकर हो जाते हैं, समझ आया, दो कल्याणक वाले भी तीर्थंकर होते हैं, तीन कल्याणक वाले भी तीर्थंकर होते हैं और पांच कल्याणक वाले भी तीर्थंकर होते हैं। इसी प्रकार के तीन ही तरह के ये वैरायटी बनती हैं और कोई बीच में वैरायटी नहीं बन सकती है, बन रही हो तो बता देना, क्या समझ आ रहा है। अब गर्भ और जन्म तो दोनों, हाँ उस समय तो कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जब तक जन्म से 8 वर्ष न गुजरे तब तक वह जीव सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता, और अगर सम्यक दृष्टि भी है तो 8 वर्ष से पहले पहले वो कभी भी जो है जन्म के जस्ट समय पर या जन्म से पहले गर्भ में तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं कर सकता, समझ आ रहा है। अगर गर्भ में तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाता तो जन्म कल्याणक भी बन जाता, तो चार कल्याणक वाले भी हो जाते, समझ आ रहा है। इसलिए गर्भ में तीर्थंकर प्रकृति का नहीं बंध हो सकता, इसलिए चार कल्याणक वाले तीर्थंकर नहीं होते। कितने कल्याणक वाले मिलेंगे, बस या तो 5 कल्याणक वाले शुरू से लास्ट तक के, या फिर घर में वैराग्य के साथ में, घर में सम्यक दर्शन के साथ में जिन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया और फिर बाद में तप धारण किया तो उनके 3 कल्याणक, और जिन्होंने तप धारण करने के बाद में तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया उनके 2 कल्याणक। ऐसे 3, 2 और 5 कल्याणक वाले जीव ही होते हैं, 3 प्रकार से ही पंच कल्याणक हो सकते हैं। क्या सुन रहे हो, गर्भ में रह करके जन्म के तुरंत बाद भी 8 वर्ष हुए बिना इतने पवित्र भाव बनते नहीं है, ये कहा गया है। इसलिए 8 वर्ष की एक सीमा रखी गई है, 8 वर्ष में वह व्यक्ति अपने अंदर इतना ज्ञान ला सकता है, श्रद्धा ला सकता है, कि ऐसे भी जीव होते हैं जो 8 वर्ष में दीक्षा ले लें, क्या सुन रहे हो, 8 वर्ष की उम्र में ही दीक्षा ले लें और दीक्षा के तुरंत बाद उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, और 8 वर्ष की उम्र में ही केवल ज्ञान को प्राप्त करने के बाद में अब उनकी आयु है 1 पूर्व कोटि वर्ष की, तो उतनी आयु तक वो जो है केवल ज्ञान के साथ में विहार करेंगे, रहेंगे, और अंत में जाकर के उनको मोक्ष होगा, क्योंकि बीच में तो कुछ हो ही नहीं सकता, आयु पूरी किए बिना तो मोक्ष बीच में हो ही नहीं सकता। तो जिनकी आयु 1 पूर्व कोटि की है, जो विदेह क्षेत्र में होती है, समझ आ रहा है, पूर्व भी एक बहुत बड़ी संख्या है और कोटि माने करोड़, 1 करोड़ पूर्व की आयु जिनकी होती है, वह जीव 8 वर्ष में
केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद में पूरा एक पूर्व करोड़ वर्ष तक केवल ज्ञान के साथ में रह सकता है, रहेगा, और उसके बाद में उसको मोक्ष होगा जीवन के अंत में। तो क्या दिक्कत है, उन्हीं को तो लाभ मिलेगा जो केवल ज्ञान के साथ में विहार करेंगे, रहेंगे, जगह जगह जाएंगे, तो जीवों को लंबा लाभ, समझ आ रहा है? इतना लाभ तो तीर्थंकरों का भी नहीं मिलता जितना लाभ उस सामान्य जीव का मिलेगा। तो ऐसी अनेक तरह की परिणतियां विदेह क्षेत्र में आज भी चलती रहती हैं और आज भी इस तरह के कल्याणक होते रहते हैं, आज भी समवसरण लगते रहते हैं, हमारे भाव बने काय के देखने के। तो यहां से भी आपको सब कुछ दिख सकता है, हमारे भाव बने सुनने के, तो यहां पर भी आपको सब कुछ सुनाई दे सकता है। भाव तो बनाओ पहले, बिना कनेक्शन के कोई चीज आपके लिए ट्रांसफॉर्म कैसे होगी है? और कनेक्शन जो होगा वो भावों से ही होगा, आस्था से ही होगा। हमारी आत्मा का परमात्मा के साथ में, तीर्थंकरों के साथ में अगर कनेक्शन होगा तो हमारी श्रद्धा के माध्यम से ही संभव है, और किसी चीज से संभव नहीं है। और वह अगर संबंध एक बार हमारे अंदर बनने लग जाता है तो फिर कोई भी चीज की आपके लिए कभी भी कमी महसूस नहीं होगी। आपका दिमाग इसमें रहेगा कि ये तो सब चीजें छोटी मोटी हैं। क्या समझ आ रहा है? अन्यथा आप संसार की घटनाओं को देखोगे तो हर घटना आपको हउआ दिखाई देगी, बड़ी दिखाई देगी, विस्मयकारी दिखाई देगी, समझ आ रहा है? और संसार में कुछ ना कुछ होता रहेगा, लेकिन छोटे दिमाग वालों को हर चीज बड़ी लगेगी। कभी चंद्रयान दो जा रहा है, समझ आ रहा है? कभी हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ रहा है, समझ आ रहा है? हर छोटी छोटी बातों में बस देखो, संसार के जीव बस तमाशा मचाए रखते हैं, बस, समझ आ रहा है? और होना जाना क्या है, जो होना है वो तो सबको पता है क्या होना जाना है। हर चीज का हवा बनाना, हर चीज का मीडिया से प्रचार करके लोगों में एक भावनाएं फैलाना और उसमें इतना संलग्न हो जाना कि आप देखोगे कुछ ना कुछ, जब इस तरीके से राजनीतियां चलती रहती हैं, कुछ ना कुछ कार्य इस तरीके के होते रहते हैं, तो हर आदमी एक दूसरे से बस इसी चर्चा में संलग्न रहता है, समझ आ रहा है? इसी चर्चा में संलग्न रहेगा। कहीं चुनाव हो रहे हैं तो चुनाव की चर्चा, पीएम सीएम बन रहे हैं तो उसकी चर्चा, कहीं कोई बड़े मीटिंगें हो रही हैं तो उसकी चर्चा, कोई सैटेलाइट लॉन्च हो रहे हैं तो उसकी चर्चा, कोर्ट के कोई डिसीजन आ रहे हैं तो उसकी चर्चा, बस इन चर्चाओं में हर आदमी का मन लगेगा, हर आदमी एक दूसरे को बताएगा, भैया आज ये होना है, आज ये होना है, अब ऐसा होएगा, अब ऐसा होएगा। अब देखो पूरी जगह पर दुनिया में बस, समझ आ रहा है, सब लोग आपस में क्या बातचीत करते मिलेंगे। अब बच्चों की स्कूलें बंद हो गई तो बच्चे भी उसी बात में लगे, बोले स्कूलें क्यों बंद हो गई, बस अयोध्या दिख रही है अब सबको, समझ आ रहा है? तो इस तरीके की बातें कोई बड़ी महत्व की बातें नहीं है, लेकिन वो हमारे दिमाग में महत्व की तब बन जाती हैं जब हम कोई और महत्व की बातें नहीं जानते। कितने लोग क्या मानेंगे, कितने लोग क्या करेंगे, कितने लोगों को उससे क्या लाभ होगा, इससे कोई प्रयोजन नहीं है। लेकिन एक माहौल ऐसा बन जाता है कि हर कोई इसी माहौल में हर उस बात को ही करेगा, ऐसा लगेगा कि आज बहुत बड़ा काम होने वाला है, आज कुछ अद्भुत होने वाला है। तो ये बातें तब दिमाग में आती हैं जब हमारे दिमाग में कुछ और बड़ी चीज नहीं होती है। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव को कभी भी संसार के किसी क्रियाकलाप पर कोई भी विस्मय नहीं होता है। विस्मय जानते हो? हाँ, बिल्कुल, उसके अंदर कोई भी सरप्राइज जैसी चीज कुछ भी नहीं होती है।
वो सब जानता है, ये सब संसार के क्रियाकलाप हैं, सब आपसी राग द्वेष हैं, सब ये जीवों की अपनी अपनी परिणतियां हैं, इनसे किसी का कुछ नहीं होने वाला है। जब संसार है तो ऐसे चलता रहेगा, इससे किसी का कोई भला नहीं होने वाला। ये जो सम्यक दृष्टि जीव के अंदर विस्मय नहीं आना, ये अपने आप में इसीलिए होता है क्योंकि उस सम्यक दृष्टि जीव का दिमाग कहां रहता है? अरे उससे जब ये तीर्थंकरों के समोसरण दिख रहे हैं, पांच पांच से धनुष की काया वाले उसे मनुष्य दिख रहे हैं, एक पूर्व कोटि का जीवन जीने वाले आयु वाले उसे मनुष्य दिख रहे हैं, तो ये कहां क्षुद्र बातों में वो लगेगा? और ये सब जितने भी हवा फैलाए जाते हैं, ये सब सामान्य मनुष्यों के लिए ही होते हैं। और जो इनमें जुड़ गया तो वो भी समझ ले कि वो सामान्य है। सम्यक दृष्टि जीव को इन चीजों से कोई लेना देना नहीं होता, वो अपना टाइम ना इन चीजों में खराब करता और ना अपने अंदर ऐसी आकुलता पैदा करता जैसी सामान्य लोगों में आकुलता हो जाती है। क्या समझ आ रहा है? बस एक ही चर्चा, एक ही बात, एक ही काम, अब ये होएगा, अब ये होएगा, अब ये होएगा, बस उसी में लगा रहेगा, ये बातें कोई नहीं करेगा। तीर्थंकरों का समोसरण देखो, उनका दर्शन करके, उनके प्रवचन सुन करके अपना मन शांत करो, अपना चित्त पवित्र करो, इस पवित्रता का आनंद लो। हृदय की पवित्रता ऐसे महापुरुषों के स्मरण, दर्शन, उनके उपदेश श्रवण से होती है, बाकी तो सब आकुलता वाले काम है। और आकुलता है सो सब जो है क्लेश है, शांति है तो सुख है। और शांति कब मिलेगी? जब आपका मन निराकुल होगा। तो वह निराकुलता का भाव इस तरीके की परिणति से आता है तो हमारे मन के अंदर एक बहुत बड़ा विश्वास जम जाता है, और उसी बड़े विश्वास के कारण से हमें कभी भी छोटी मोटी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या समझ आ रहा है? वह जब भी कभी ऐसी स्थिति बने तो आपके लिए अपने मन में यह ध्यान रखना है कि हमें अपने बारे में सोचना है, परमात्मा के बारे में सोचना है, और हमें इसी प्रकार की आस्था बनाए रखना है। इसी का नाम है सम्यक दर्शन, समीचीन दृष्टि। जिसके अंदर समीचीन दृष्टि आ जाती है वो कभी किसी की मतलब ना तो निंदा करता है, ना कभी किसी से घृणा करता है, वो बिल्कुल समभाव में आ जाता है। मैं कहता हूं एक जैन ही सम्यक दृष्टि व्यक्ति हो सकता है, ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति सम्यक दृष्टि हो जाता है, वह किसी भी कास्ट का हो, लेकिन अगर उसके अंदर इतना तीर्थंकरों के प्रति श्रद्धान हो जाएगा, उसके अंदर अगर इस तरीके के ज्ञान के प्रति श्रद्धान हो जाएगा, वो कभी किसी से द्वेष नहीं करेगा। ना उसे हिंदू से कोई मतलब है, ना उसे जैन से कोई मतलब है, ना उसे मुसलमान से कोई मतलब है। और सबके प्रति उसके अंदर समभाव रहेगा। वो कभी किसी की गिरती में भी आनंदित नहीं होगा। आप देखोगे जब इस तरीके के निर्णय आएंगे तो एक वर्ग के लोग बहुत उल्लसित होंगे, एक वर्ग के लोग बहुत डाउन, उनका मोरल हो जाएगा। तो सम्यक दृष्टि जो होगा वो दोनों में बिल्कुल समभाव रखेगा, सहज रहेगा वो। और वो क्या देखेगा कि इनका इस तरह से उल्लसित होना भी ठीक नहीं, और इनका इस तरीके से दीनता या हीनता का भाव आना भी ठीक नहीं। ये सब तो संसार का क्रियाकलाप है जो ऐसे चलता रहेगा। सबके प्रति संभाव रखेगा, उसे किसी से घृणा नहीं होगी। सम्यक दृष्टि जीव कितना भी क्रूर व्यक्ति हो, या कितना भी कोई उसको अपने विपक्ष का मानता हो, अपना दुश्मन मानता हो, सम्यक दृष्टि जीव सबको एक समान दृष्टि से देखता है। इसका नाम सम्यक दर्शन कहा गया। और ये सम्यक दर्शन कब होगा? बस आप इतना श्रद्धा करो, हर जीवात्मा अपना अलग अलग अस्तित्व लिए हुए है, और हर जीवात्मा के अंदर ज्ञान आदि शक्तियां वही हैं जो हमारे अंदर हैं।
और सबको बिल्कुल एक जैसी जीवात्मा की तरह श्रद्धा करके उसे देखो, उसे मानो, तो आपके अंदर सब जीवों के प्रति संभाव आएगा। अपने वर्ग के लोगों के प्रति संभाव आ जाना, उनके प्रति आनंदित हो जाना, ये तो सामान्य बात है, सब कोई कर लेता है, लेकिन सबके प्रति संभाव, चाहे वो ईसाई हो, चाहे इस्लामी वाला हो, चाहे कोई भी हो, सबके प्रति संभाव, सबको जीव रूप में देखो, ये सभी आत्माएं हैं, हमारी ही जैसी आत्माएं हैं। आज अगर कोई आत्मा गलत काम भी कर रही है तो सम्यक दृष्टि जीव क्या सोचता है, अरे हम भी कभी अज्ञानता में ऐसे ही किए हुए हैं। नहीं समझ आ रहा, सब एक साथ तो ज्ञानी कभी बन ही नहीं सकते। आज जिसका जीवन अज्ञानता में चल रहा है तो उसको भी देख करके वो ये समझ लेता है कि आज इसकी अज्ञानता जैसी है वैसी हमारी भी अनेकों बार ऐसी अज्ञानता हो चुकी है, और हमें भी जब लोगों ने समझाया था तब हम नहीं समझे थे, लेकिन आज हमारे अंदर समझदारी आई है तो हम ये समझ पा रहे हैं कि ये अज्ञानता भी कर्म के कारण से है। हर जीव भीतर से शांत है। क्या समझ आ रहा है? एक हाइको पढ़ा था ना कभी, आत्मा सदा सदा से, सदा सदा से आत्मा शांत रहा किंतु मन अशांत। क्या सुना? सदा सदा से, एक लाइन में पांच अक्षर, दूसरी में सात और तीसरी में पांच, सदा सदा से आत्मा शांत रहा पे मन अशांत। बस, तो हर आत्मा की शांति की तरफ अगर दृष्टि जाएगी तो केवल सम्यक दृष्टि जीव की जा सकती है, और वो तभी जा सकती है जब वो हर आत्मा में ये देखे कि हर आत्मा भगवान बनने लायक है और ये बेवजह के क्लेशों में उलझ रहा है, राग द्वेष में अपने कर्म बंद कर रहा है। हर आत्मा भगवान बनने लायक है। जैन दर्शन के अनुसार अगर आप इन सिद्धांतों को समझेंगे तभी आप हिंदू मुस्लिम सबको बिल्कुल एक समान आत्मा के रूप में देख पाएंगे। नहीं तो हिंदू के लोगों को बस एक समान देखेगा, मुसलमान के लोगों को एक समान देखेगा, वो कहेगा कि हम सब खुदा के अंश हैं, वो कहेगा हम सब भगवान के अंश हैं, और इधर जैन क्या कहेगा कि कोई अंश होते ही नहीं है, सब अपने आप में पूर्ण है, सबके अंदर खुदा है, सबके अंदर भगवान है, सब अपने आप में पूर्ण है, इसलिए सब आत्माएं बिल्कुल एक जैसी हैं। सबकी सत्ता अपनी, आत्मिक सत्ता सबकी अलग अलग। ऐसी दृष्टि आने पर ही संभव आ सकता है। आप देखो कि ये जीवादि श्रद्धान करने से सम्यक दृष्टि जीव के अंदर कैसे संभाव की प्राप्ति होती है। ऐसा सम्यक दृष्टि किसी भी प्रकार के कोई भी देश में किसी भी तरीके की उठापटक होती है, कुछ होता है, तो उसमें भी संभाव धारण करके शांत भाव से वह समय निकाल लेता है, उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है। नहीं तो हर एक वर्ग के लोग, हर एक पार्टी के लोग किसी ना किसी अपने अपने वर्ग को उद्वेलित करते हैं, उदम मचाते हैं। जब एक वर्ग उदम मचाता है तो दूसरे वर्ग को वो उदम अच्छा नहीं लगता, तो परेशानियां पैदा हो जाती हैं। तो ये समभाव कहां से आएगा? तो इस प्रकार की धारणा से आएगा, सभी जीव एक समान हैं, कोई भी जीव अंश रूप में किसी का नहीं है, सब जीवों के अंदर पूर्ण रूप से भगवान की सत्ता बैठी है। हर जीव भगवान बन सकता है, लेकिन हर जीव अपने आप को अज्ञान में डाले हुए है। ऐसा विचार करोगे तो सबके प्रति आपको समभाव दिखाई देगा, ना आपको किसी से राग होगा, न किसी से द्वेष होगा, न किसी के फंक्शन में जाकर के आप जय जय करोगे, और न किसी के फंक्शन में जाकर के आप उससे द्वेष करोगे। समझ आ रहा है? और ऐसा सम्यक दृष्टि जीव हर कोई तो नहीं हो सकता। क्या सुन रहे हो? सुनने वाले भी सभी नहीं हो सकते हैं, तो दूसरों की और क्या बात करें।
लेकिन आनंद इसी भाव में है। ऐसा समभाव जब आपके अंदर आ जाएगा तब ही जो है ये भगवान की महत्ता समझ में आएगी और आपको अपने जीवन की महत्ता समझ में आएगी कि अगर हमारे अंदर वो आनंद आ रहा है तो ये लोग कैसी कसायों में पड़े हैं, कैसी अज्ञानता में पड़े हैं, कैसे राग द्वेष में पड़े हैं। हे भगवान, इनके लिए भी ज्ञान मिले, इनके लिए भी ये अज्ञानता दूर हो। ऐसे परिणाम आपके अंदर जब हृदय से आएंगे तो यही तीर्थंकर प्रकृति के बंध के कारण बन जाएंगे। यही परिणाम होते हैं तीर्थंकर प्रकृति के बंध के कारण। सबके कल्याण की इच्छा करना, कसाई भी हो तो उस कसाई को भी कसाई के ही रूप में नहीं देखना कि ये कसाई है। अरे भाई, वो आदमी है, आत्मा है वो भी, लेकिन उसके संस्कार, उसका पाप इतना बढ़ चढ़ करके है कि उसके अंदर हिंसा के परिणाम इतने बढ़ चढ़ करके हैं कि जिसके कारण से वो अपनी आत्मा के स्वभाव को नहीं समझ पा रहा है। लेकिन है तो वो भी आत्मा ही है, कसाय कर रहा है, तीव्रता अपने परिणामों में हिंसा की ला रहा है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव उस कसाई को भी कैसा देखेगा, ये भी बिल्कुल मेरी ही तरह आत्मा है, भगवान बनने की क्षमता रखने वाला शांत परिणामी आत्मा, शांत स्वभाव वाला आत्मा है, लेकिन इसका मन कसाई वाला बना हुआ है। तभी तो ऐसे कसाईयों का कभी अगर दिगंबर संतों से या कभी कोई सम्यक दृष्टि जीवों से कोई समागम हो जाता है तो उनके अंदर के कसाय भाव भी बिल्कुल शांत हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? इसी भावना के कारण से हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर तो उसके प्रति समान भाव है और वो उसको अपना द्वेष के रूप में देख रहा है, वैरी के रूप में देख रहा है। तो विजय तो हमेशा शांति की ही होगी, सत्य की ही होगी, इसलिए वो कसाय भाव भी उसके सामने आकर के नतमस्तक हो जाता है। ऐसे परिणामों के माध्यम से जब आपके अंदर तीर्थंकरों से जुड़ने की भावना आएगी, जीवादि का श्रद्धान पहले सही बनाओ कि हर जीव कैसा है और ये जीव उन अनंत जीवों में हम भी एक जीव हैं, हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना है, तो आपको अपने आप उन तीर्थंकरों को बार बार देखने का कौतुक पैदा होगा, कौतूहल पैदा होगा। कैसा कौतूहल होता है जानते हो? जब आपका कोई घर में प्रिय व्यक्ति आ जाता हो और आप के लिए बार बार देखने की इच्छा होती हो तो कैसे देखते हो? बार बार देखने की इच्छा होती हो तो बार बार उसे किसी ना किसी बहाने से मिलने जाते हो, किसी ना किसी बात पर बार बार उससे बात करते हो, बार बार जो है उसको देखने के लिए कोई ना कोई बहाना बनाते हो। क्या सुन रहे हो? कभी आप अपने मन में भगवान तीर्थंकरों का दर्शन करने के लिए कभी ऐसा बहाना बनाते हो कि हमें फिर से भगवान का बारे में सुनने को मिले, हमें फिर से भगवान देखने को मिले, या मंदिर में भगवान की प्रतिमा को भी देखने का बार बार कौतूहल पैदा होता है? कभी एक बार दर्शन करके आ गए, आज तुम दर्शन कर आए, हो गए दर्शन, कभी ऐसी इच्छा नहीं होती चलो आज फिर से भगवान को देखें, चलो फिर से भगवान को झांक करके देखें। अगर मंदिर का दरवाजा भी बंद हो तो बाहर से एक छोटा सा वो लगा रहता है, छोटा सा होल बना रहता है, उसमें से भगवान को देखें, चलो एक बार देख लिए फिर घर पे चलेगा, चलो फिर से एक बार भगवान को देखने आए, ऐसा कौतूहल पैदा नहीं होता कभी झरोखे में से खिड़की में से भी भगवान को देखने की कोशिश करें? ऐसे ही दो चीजें बस अगर मन में बार बार आ जाएं, बार बार तो भगवान को साक्षात देखने की इच्छा, साक्षात माने भगवान को समोह शरण में देखने की इच्छा, और दूसरी भगवान के बार बार उपदेश को कान से सुनने की नहीं, उन उपदेशों को पीने की इच्छा। उपदेशों को कान से क्या किया जाता है? पिया जाता है। समझ आ रहा है? बस ये दो इंद्रियां जिस दिन हे भगवान हमारी तृप्त हो जाएंगी, हमारा कल्याण, हमारी मुक्ति उसी दिन हो जाएगी, बस उसी दिन हमारी आपसे बात हो जाएगी, हमारी आखिरी बात उसी दिन हो जाएगी, फिर उसके बाद हमें आपसे बात करनी नहीं पड़ेगी। ऐसी भावना तो यहां कर लो। समझ आ रहा है? जब यहां बीज बोओगे तो कहीं उसका फल मिलेगा, समय पर मिलेगा, लेकिन बीज बोना आज से शुरू करना पड़ेगा। तो ऐसे भाव जब आएंगे तब हमारे अंदर उन साक्षात अरियंतों का समोसरण भी दर्शन करने को मिलेगा और समोसरण में भगवान के दर्शन भी होंगे।
उसी भाव को और आगे पढ़ने के लिए, पुण्यम त्वयोदित यम पालनेन त्यालसेन भविनाम शिव साधनम ते पुण्यम निदान सहितं सुर सौख्य कामम नहि नयम समवैति जैनः। कहा आपने जैसा जिनवर मान उसे तप व्रत धरता भव्य का वह पुण्य मोक्ष साधन बनता सुर सुख को जो चाह रहा हो वह निदान यदि बंध का कारण है नय नहीं जानते जैनी पुण्य। जैसा भगवान ने कहा बस उस बात को मानकर के जो तप यम नियम संयम धारण कर लेता है उस जीव को भी शिव का साधन यानी मोक्ष का साधन प्राप्त हो जाता है यानी उसको भी मोक्ष मार्ग की उपलब्धि हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि उसने भगवान की श्रद्धा करके जो चारित्र या कोई व्रत संयम धारण किया है तो उसके अंदर क्या भाव आया? एक तो हमने किसी के डॉक्टर के कहने से या किसी और दूसरे व्यक्ति के कहने से हमने कोई नियम ले लिया, समझ आ रहा है, और एक नियम हमने ये सोच करके लिया कि नहीं ऐसा जिनवाणी की आज्ञा है, गुरु का उपदेश है, तीर्थंकरों का आदेश है, इसलिए हमें ऐसा करना है। तो आपके अंदर ये जो भाव आया कि हमने तीर्थंकरों की वाणी से जिन वाणी के माध्यम से गुरु के उपदेश से हमने ऐसा नियम लिया है तो ये भाव ही आपके अंदर क्या है? सम्यक दर्शन का भाव। क्योंकि आपकी श्रद्धा कहां जुड़ी है? उन तीर्थंकरों से जुड़ी है। यही सम्यक दर्शन हो गया, यही सम्यक ज्ञान हो गया। क्योंकि जैसे ही सम्यक दर्शन का भाव आया तो ज्ञान सम्यक ज्ञान हो गया। नाणम सम्मम कुहोदि सदि जम्मी। क्या समझ आया? जैसे ही सम्यक दर्शन हुआ ज्ञान सम्यक ज्ञान हो गया, ये द्रव्य संग्रह में लिखा हुआ है। और जब ज्ञान सम्यक हो गया तो दोनों चीजें आपके पास आ गई, सम्यक दर्शन भी सम्यक ज्ञान भी, और आपने कुछ अपने लिए नियम ले लिया, व्रत ले लिया, तो थोड़ा सा आप चारित्र आचरण का भी पालन करने लगे तो थोड़ा सा आचरण भी आ गया। समझ आ रहा है? जब ये तीनों चीजें आएंगी तो आपके अंदर पुण्य का बंध भी होगा, और जब पुण्य का बंध होगा तो वह पुण्य का बंध आपको कभी भी संसार में भटकाएगा नहीं। इस श्रद्धा के साथ में जो पुण्य बंध होगा वो पुण्य बंध कभी भी हमें संसार का कारण नहीं होता। संसार में भटकाने वाला पुण्य वह होता है जो निदान सहितम। क्या लिखा है यहां? हाँ, कई लोगों को चिंता पड़ी रहती है भगवान की भक्ति इसलिए नहीं करते, बोले भक्ति से तो क्या मिलेगा, पुण्य मिलेगा, पुण्य से संसार के फल मिलेंगे, इसलिए ध्यान करो हमें भगवान की भक्ति नहीं करना है, आत्मा आत्मा करो बस। समझ आ रहा है? तो उनको समझाने के लिए यहां भगवान की भक्ति करते करते सब लोग दिमाग में आ जाते हैं और भावना ये होती है हे भगवान सब आपकी भक्ति करें, सब आपकी भक्ति हृदय से करें और सभी सम्यक ज्ञान के साथ में भक्ति करें, सभी के अंदर सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो। तो ये भावना आ जाती है कि देखो कुछ जैन लोग भी इस पुण्य को हे कहने के कारण से भगवान की भक्ति से दूर भागते हैं। उनको समझाने के लिए है कि भगवान की भक्ति से जो पुण्य आता है वो पुण्य हमारे लिए और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाने का कारण बनेगा। आपको व्रत संयम नियम के माध्यम से उस पुण्य की अगर और वृद्धि हुई तो आप और आगे महाव्रत जैसा चारित्र धारण करने की भी अपने अंदर शक्ति ला पाओगे। ये सब भगवान की भक्ति के जनित पुण्य से ही होता है। और अगर इस तरीके से आप दूर रहोगे तो आपके अंदर कभी भी चारित्र मोनि कर्म का क्षयोपशम हो ही नहीं सकता। हमेशा यही कहते रहोगे भैया चारित्र मोनी कर्म का उदय चल रहा है, हम क्या करें, वो हमेशा चलता रहेगा।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अरुण कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन, अभिषेक जैन, अभिनव जैन, रैना जैन, आन्या जैन, मेरठ, उत्तर प्रदेश।